स्वागत है और कितनी अच्छी शुरुआत है. एंड टू बी ऑनेस्ट सीइंग यस्टरडेज वेदर नो वन वाज एक्सपेक्टिंग सच अ गुड गैदरिंग. सबको डाउट था कि कैसी बारिश होएगी, मौसम चिपचिप होएगा कि कीचड़ होएगा. तारिफ सिंह जी बताएंगे, यही हमको अभी गाइडेड टूर कराएंगे स्ट्रॉबेरीज का. विजिट होने के बाद यही आएंगे, चाय समोसा यही होगा. चाय समोसा होने के बाद रास्ते में वो दिखाएंगे कि कहाँ पर स्ट्रॉबेरी पैकिंग होता है, जिसको खरीदना है वो वहाँ जाके फिर खरीद सकते. पौधा आता है कैलिफोर्निया से, उसको हम मदर बोलते हैं. मदर जाते हैं हम मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास. तो हमारे पास हिमाचल में सोलन में लैंड है, वहाँ उसकी नर्सरी तैयार करते हैं. तो 3 महीने के आसपास ये रनर बनाते हैं. एक प्लांट 18-20 प्लांट बनाए. एक है विंटर डाउन, एक है सैंड एरिया, ऐसे बोलते हैं. दो वैरायटी है. हाँ जी, तो एक प्लांट अपनी पूरी पीरियड में 800 ग्राम से 1 किलो के लमसम रूटिंग देता है. आप किसी प्लांट की क्वांटिटी थोड़ी, हमारे पास 3.5 लाख प्लांट नहीं, हमारे डेली कम से कम 15-20 किलो स्ट्रॉबेरी पक्षी खाते, गिलहरी भी खाती है. 15 से नीचे जा तो पकती नहीं है, उसका और साइज हो जाता है. 15-30 डिग्री टेम्परेचर. इनको थोड़ा जूसी और रेड करने के लिए बस वैसे नहीं, हम इसमें जूसी नहीं, इसमें पोटाश यूज ही डाल करते हैं. अगर हम पोटाश नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें मिठास नहीं आती. नहीं डालते तो मिठास नहीं आती. कितने दिन के पौधे में डालते हो पोटाश? पोटाश जी प्रोडक्शन के हिसाब से डालते हैं. 1 किलो प्रोडक्शन आएगा तो हम 2 ग्राम पोटाश देंगे. नहीं, किस टाइम पौधा कितना बड़ा हो? फ्लावरिंग के बाद. अच्छा, जैसे प्रोटीन के बाद जाएगा, पकने का 10-15 दिन रहेगा तब पोटाश यूज करते हैं. ओके, हल्दी इन्हीं का था? हाँ हाँ, इन्हीं का पौधा. तो कितना शेक कैसे लगा? छोटी छोटी हाँ, पैकिंग नहीं करना है. चलो कोई आ जाओ भाई. स्ट्रॉबेरी का प्लांट मर गया तो बोलो. स्ट्रॉबेरी का प्लांट मर गया तो सब प्याज मर गया. क्यों काला प्लास्टिक ये पता चल जाता है. टू गिव वाटर एंड फिश द रेन वाटर. फिश कल्टीवेशन पर्ल फिश ऐसे बनाते हैं. दिस इज द वॉश बेसिन, ब्यूटीफुली डिजाइन. इंटरेस्टिंग है वॉश बेसिन, देखो ना. एंड देयर इज अ टैंक ओवर ट्री. इको फ्रेंडली वॉश बेसिन. हाँ, धोइए कविता जी, इस्तेमाल कीजिए वॉश बेसिन. पानी वेस्ट नहीं करना. हो गया. थोड़ा हमारी तरफ देखिए.